Hi guys, welcome to Rinki's Angelic and we are back with monthly tarot readings. हम कर रहे हैं नवंबर महीने के लिए. Usually ये एक तारीख को videos आ जाते हैं, but इस महीने किसी कारण मैं upload नहीं कर पाई हूँ, तो शायद ये second या third को definitely upload हो जाएंगे. So सबसे पहले I am extremely sorry for that. And yes, ये महीने जैसे हम तीन tarot card करते हैं और एक angel message. इस महीने जो deck मैं use कर रही हूँ वो है Soul's Journey. ये डेक बेसिकली आपको बताएगा क्या एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ आपको फोकस करना है, ग्रोथ कहाँ से हो रही है, कैसे हो रहा है, आपकी जर्नी में एट दिस पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है. सो आई होप ये रीडिंग्स आप कनेक्ट करें. अगर आप ये रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. मैं हमेशा सारे कमेंट्स पे ट्राई करती हूँ कि रिप्लाई करूँ. मैं सब कुछ रीड करती हूँ, मैं आपके कमेंट्स को लाइक करती हूँ. सो गो हैड, शेयर योर फीडबैक डाउन बिलो. एंड फॉर नाउ लेट्स वर्गो. वर्गो मैंने आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड्स पुल आउट करे हैं और एक एंजल मैसेज. देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं. जो सबसे पहला कार्ड आया हुआ है वो है क्वीन ऑफ कप्स. अब क्वीन ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि इस महीने ना आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो कोई सिचुएशन को लेके, कोई पर्सन को लेके, कोई एनवायरनमेंट को लेके, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो. अब ये कार्ड हमें सिर्फ यही बता रहा है कि मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. थोड़ा आपको आगे पीछे होना है. कहीं ना कहीं अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो हमें पेज ऑफ सॉर्ड डेफिनेटली डिपिक्ट कर रहा है कि कुछ नया डेफिनेटली होने के चांसेस है, तो उससे घबराना नहीं है. यू नो, अपने कंफर्ट जोन को डेफिनेटली शेक कीजिए, आगे बढ़िए. ये आपको डेफिनेटली कोई सीख दे रहा है, ये आपको डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ ही पुश कर रहा है, पर आप इसे घबरा कर आप ये ग्रोथ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में. आपको ऐसे लग रहा है क्यों मैं यू नो सब सेटल चीज छोड़कर कोई रिस्क लूँ. डेफिनेटली ये रिस्क भी इन्वॉल्व करता है लाइफ में, पर आपको कार्ड्स बता रहे हैं, आपकी एनर्जीज बता रही है ये रिस्क डेफिनेटली वर्थ इट है. आप जितना स्ट्रेस करो, जितना फ्रीक आउट करो, उतना फ्रीक आउट करने की नहीं है ज़रूरत. ये अंडरस्टैंड कीजिए आपके ही भले के लिए है. आप इससे बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो. मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि कोई पर्सन आपको हेल्प कर रहा है विथ रिगार्ड्स टू सर्टेन अपॉर्चुनिटी, विथ रिगार्ड्स टू सर्टेन ग्रोथ, विथ रिगार्ड्स टू सर्टेन सॉर्ट ऑफ, अगर आपका कोई यू नो रिलेशनशिप भी इशू है, अगर कोई थर्ड पर्सन आपको सुलझाने की कोशिश कर रहा है, उस पर नेगेटिविटी नहीं डालनी है, बिकॉज वो पर्सन की इंटेंशंस बहुत सही हैं. वो आपका डेफिनेटली भला चाह रहे हैं, आपको ग्रो करने की, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसे सुलझाने के लिए ही वो आपको हेल्प कर रहे हैं. सो डू नॉट मिसअंडरस्टैंड. बेसिकली ये महीने किसी को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है. जहाँ जो थर्ड कार्ड आया है वो इतना अच्छा कार्ड नहीं है. अब ये मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे फैमिली इश्यूज भी दिख रहे हैं. फैमिली हार्मनी बिल्कुल नहीं है. यू नो फैमिली में बहुत अप्स एंड डाउन्स लग रहे हैं. Could be certain things with regards to money, with regards to finances, जहाँ पैसे को लेकर घर में काफ़ी कलेश हो रहे हैं और वहाँ पर जो सीनियर पर्सन है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आप पर इस वक्त, और वो इन्फ्लुएंस के वजह से आपका मन बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा है. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो. रिलेशनशिप में भी इशू कुछ फैमिली मेम्बर्स की वजह से ही आ रहा है. तो आपको ये कार्ड बता रहा है इतना इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है. यू नो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा. जैसे आप वो स्टैंड लोगे आप इम्प्रूवमेंट्स देखोगे. अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है पर्पस. एंजल्स बता रहे हैं कि यार आपके लाइफ का पर्पस ना बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है. आप ये छोटी छोटी चीज़ों में ना दबे रहिए. जैसे मैं बोल रही थी कि आप इतने कंफर्टेबल हो गए हो, ये भी बता रहा है आपको. जैसे आप कंफर्ट से मूव आउट करोगे आपको लगेगा कि आपकी लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा है. तो अंडरस्टैंड कीजिए एंजल्स आपको हर वक्त गाइड कर रहे हैं. वो गाइडेंस को आप अपने लाइफ में एक्नॉलेज कीजिए, लीजिए. एंड यू नो वो ट्रस्ट कीजिए कि ये मेरे लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा है. मुझे ये सॉर्ट ऑफ यू नो कहीं ना कहीं जिस आर्ग्यूमेंट्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स में नहीं पढ़ना है, और मुझे उससे ऊपर उठकर बहुत अच्छी सॉर्ट ऑफ ब्राइटनेस देखनी है, लाइट ऑफ लाइफ देखनी है समवेयर. यू नो सो समवेयर इज जस्ट टेलिंग यू walk forward with a lot more positivity. That's about it. I hope ये reading आपको पसंद आए. You know कहीं ना कहीं ये आपको guide करे. And अगर अब तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें. Thank you so much.